वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और व्लॉग की स्टार्टिंग अभी मैं कर रही हूँ 6:16 से, एग्जैक्ट टाइम इतना ही हुआ है सुबह सुबह। लास्ट व्लॉग को मैंने एंड कर दिया था गाड़ी में ही, और यहाँ पे अभी क्रूज़ में अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। बट यस, अंदर हमने एंट्री ले ली है, अंदर आ चुके हैं हम लोग। तो यस, ब्रेकफास्ट गाड़ी में नहीं हो पाए, सिर्फ एक ही सैंडविच खा पाई। तो पहले आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जाएंगे जब क्रूज़ में, तो वहाँ पे पूरा शूट करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को कैसे क्या होता है। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को जानना है कि कितना क्या खर्चा है, क्या कितना लगा है, होटल का चार्जेस कितना है, टैक्सी का कितना है, तो आप मुझे कमेंट करना। और यस, फिर मैं आप लोगों को सारी डिटेल में बताऊँगी कि हमने मतलब हम अपना खुद का करा है हमने या कैसे क्या किया है, तो मैं पूरा आपको इन डिटेल बताऊँगी। गाइस, ब्रेकफास्ट में मिला है ये, और दो या तीन तो ये जूसेस हैं, ये देखिए। और दो एप्पल थे ये मिर्ची ने खा लिया, एक मेरा। और बिस्किट हैं, ये चिप्स हैं, और सैंडविच तो आप देख ही रहे हो, दैट्स इट। इतना ब्रेकफास्ट उन्होंने दिया था जिस होटल में हमने स्टे किया था। गाइस, अगर मैं आपको पब्लिक दिखाऊँ ना, मतलब बेहोश हो जाओगे। ये सारे बंदे क्रूज में जाएंगे, और अभी तो लाइन लगी हुई है। भगवान, इतना बड़ा ये ग्राउंड है, मतलब अंदर का सिटिंग एरिया फुल भरा हुआ है। कहाँ जा रहे हो? ये हमारी क्रूज है आशी, इसमें जाएंगे हम दूसरे देश से करीबन एक घंटे बाद। तब तक मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने जो मेरा शाम को व्लॉग आएगा 6 बजे, मतलब देख चुके होंगे अभी तक तो आप जब ये व्लॉग आएगा, तो वो एडिट करना बाकी था, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा थक मैंने एडिट किया। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, सनस्क्रीन भी नहीं लगाई, मज़े की बात। सुबह बस पानी गिराया और आगे चढ़े हैं हम लोग क्रूज़ में। एंट्री दिखाती हूँ आपको कैसी रहेगी, सी अभी अंदर जा रहे हैं। सिटिंग तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं ऐसे होगा नहीं होगा। ओ, बहुत कूल है, बहुत कूल है। यस, ये मैं हूँ, मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी हूँ, और खुला समंदर है साइड में, और अंदर बहुत कूलिंग है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यार, बहुत ही बढ़िया वाला समंदर। तो खैर मैंने कल भी आपको दिखा दिया था, बट अभी जो फीलिंग आ रही है ना, मस्त वाली आ रही है, मतलब बिल्कुल कूल है अंदर। बैठ चुके हैं, अभी देखते हैं वहाँ कितने बजे तक पहुँचते हैं। बट एक बैड न्यूज़ ये है कि मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ अभी तक। गाइस, बैग रखिएगा गाइस, ये मेरे को गाइस ही बोलने लग गया है। यार मेरा व्लॉग नहीं हुआ अपलोड, क्या करूँ मैं। मैं अभी लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज तो पूरा फेस जो है मेरा पूरा ब्लैक हो जाएगा। और बता, ये वाला जो है ना, ये वाला आई थिंक बता रहे हैं कि जो आगे आएगा ना, वो ज़्यादा बेटर है इस वाले से। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, देखते हैं कैसा रहेगा, आप लोगों को साथ भी शेयर करूँगी मैं। हे भगवान, मैं काली होके ना जाऊँ, क्योंकि मेरी स्किन ऐसी है, थोड़ी जल्दी काली हो जाती है। वैसे बहुत ज़्यादा गोरी भी नहीं हूँ मैं, बट काली भी नहीं हूँ, ठीक है। और गाइज, लास्ट व्लॉग में किसी ने पूछा था कि मैम अपना आप लिपस्टिक का शेड बताना, क्या शेड है। तो मैं 95% में सिर्फ मैबलिन यूज़ करती हूँ, चाहे वो लिप ग्लोज हो, चाहे ये मुझे ऑनलाइन, मतलब ये मैं खुद नहीं लाई थी, ये मुझे आया था, मतलब ऑनलाइन कौन से पेज से आया था मुझे ध्यान भी नहीं है, दिखाया हुआ आई थिंक मैंने आप लोगों को। तो ये है मैबलिन का, और नंबर है इसका 599। बहुत प्यारा शेड है, मुझे बहुत पसंद आया, ट्राई करना। यहाँ पे आके मिर्ची इतने अच्छे हो गए ना, इतने अच्छे हो गए ना, क्या ही बताऊँगा, मतलब क्या ही तारीफ करूँ। मैं बिना छिलके वाली खाती हूँ, तो इन्होंने साइड के छिलके छिलके खा के मेरा ये वाला छोड़ दिया, क्योंकि जब भी मैं छिलके के साथ खाती हूँ ना, मुझे टमी में पेन हो जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा छील के ही खाती हूँ। हाय, सो स्वीट है मिर्ची। मेरी महबूबा, महबूबा, महबूबा।
हम उतर लिए हैं अभी, ड्राइवर को भी बोल दिया, वो आएगा टैक्सी लेके। अमित जी कॉल कर रहे हैं उनको। तो वो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा धूप है यहाँ पे, बहुत सारे आर्मी मैन है। ये देखिए यहाँ की ब्यूटी, वाओ। कहाँ जा रहे हो? बहुत ज्यादा धूप है। हम्म, गर्मी के मारे हालत टाइट हो रही है। अच्छा, ये उधर बोट है क्या? वो क्या, इतनी ज्यादा बोट खड़ी हुई है? छोटी छोटी बोट है, छोटी छोटी बोट है भाई यहाँ पे, ट्रैवलिंग के लिए है ना। कल जैसे हम कल वहाँ जब गए थे वहाँ पे था, ये वैसी है। पानी देख रहे हो आप, क्लियरिटी कितना है। कल वाले बीच पे नहीं थी, आज वाले पे सी कितना क्लियर है। पहले से बुकिंग करी हुई थी, ये देखो हमारे नाम से यहाँ पे खड़े हैं। थैंक यू। ये अंकल है, कितना टेम्परेचर होगा पता है यहाँ पे? अमित जी कितना, अंकल कितना टेम्परेचर है यहाँ, टेम्परेचर कितना है? कमती है, केरला से होगा? केरला, इधर में। किधर से हो आप? अच्छा, हम तो चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई बोलो, आप इल्ला कहां से आया था? इल्ला का मतलब क्या होता है? मैडम इल्ला इरुक मैडम, हाय हाय हाय। ओके, आप कहां से आए मैडम? हम दिल्ली से, गुड़गांव। दिल्ली इधर आपका एक्चुअली गर्मी का टाइम है, अगला महीना आपका फुल बारिश का टाइम है। अगला महीना बारिश का बाद में बारिश आएगा पूरा। सबसे मेन सीजन कौन सा होता है? मेन सीजन बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। फाइनली टैक्सी में बैठ गए हैं, अभी जा रहे हैं सीधा होटल, नहा धो के फिर देखते हैं, रेस्ट करके निकलें, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है तेज वाली पूरी। सो गाइस, अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं अपने होटल पे, और व्यूज कुछ ऐसा है, ये देखिए, मतलब फुल ग्रीनरी, और ये हमारा होटल है। पता नहीं अंदर से कैसा मिलेगा, लास्ट वाली तो ऊपर से तो अच्छी थी, ये तो कुछ लुक तो अच्छा लग रहा है, कौन सा है आई डोंट नो, अंदर जाके भी पता चलेगा। वेलकम, ये हमारा होटल है, लास्ट वाले का मैं विजिट नहीं करा पाई। ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो, बाकी आई थिंक इस टाइम में इस टाइप से रूम है, बाकी दिखाती हूँ हमें कौन सा अलॉट हुआ है, पता नहीं अभी। गाइस बाद में मैं हो जाऊँगी बिजी, तो मैं अभी अपने रूम का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए सामने ये पूरा ग्रीनरी है, जैसे ही हम अंदर, दिस इज माय रूम, एंट्री किया, ओ वाओ, ये मैं हूँ, बट आई थिंक इन्होंने शीशा क्लीन नहीं कर रखा है। ये हमारा वॉशरूम है, छोटू सा प्यारा सा, इधर जाएंगे तो इनको कपड़े निकालने की पहले रहती है। और ये हमारा बेड है यार, उसका मैंने सोचा था शाम को दूंगी, बट इतना थक गए तो मैंने सोचा कहीं ये वाला भी मिस ना कर दूं, तो मैं पहले ही, और ये बाहर का जब मैं बैठूंगी तो आपको दिखाऊंगी, ये हमारी बालकनी है। तो हमारे पास अभी सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे में मुझे व्लॉग भी अपलोड करना है, जो कि अभी तक हमने नहीं देखा है। अब ये आएगा तब तक तो देख चुके हो, बट वो नहीं आया है, तो वो उसको अपलोडिंग पर लगाती हूँ। फ्रेश हो गए और फिर मिलते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे। नहा ली हूँ बस, अभी अमित जी गए हैं अंदर। और गाइस मैं जिस पर्स की बात कर रही थी, जैसा कि मैंने दिखाया था, अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। दोनों स्टाइल में आप इसको कर सकते हो, ये शॉर्ट में ऐसे, बाकी अभी मैं लेके भी जाऊँगी तो देखना आप लोग कैसा लगेगा। एंड इसके अंदर जो है
ये बड़े वाला है, इसको साइड में लगा के अपना जितना भी सामान रखना है, थोड़ा स्टाइलिश सा है, अच्छा लग रहा है। आपको लेना है तो मैं पेज का नाम नीचे मेंशन कर दूंगी और पेज को फॉलो कीजिएगा। हो गया, आप क्यों लेट करने लग रहे हो? आप लेट कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रही हूं। अच्छा, मैं तो रेडी हूं एकदम। गाइस मैं रेडी हो गई। गाइस गाइस ये देखो गाइस गाइस ये चिप्स खा लो गाइस, बिंगो वाले। जल्दी आ जाओ, लेट मत करो। कार्ड चाबी लो, चाबी ले लो। कुछ बार का लुक इस तरीके से है, नारियल पेड़ ही पेड़ है। किसी को पानी पीना हो तो बता देना, नारियल पानी डायरेक्ट भेजोगे। ये रूम नंबर 102 है। फॉलो मी। अच्छा ये देखो यार, है ना जबरदस्त। सुनो क्या सीधा करके जाओ। वैसे आधा घंटा वेट किया आप लोगों के ब्लॉग के लिए, बट नहीं अपलोड हो पाया, बहुत ज़्यादा इशू है यहाँ पे। थैंक यू। अभी हम जा रहे हैं अपने दूसरे वाले पे, दूसरे वाली जगह पे। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? क्या नाम था? मैं नाम भूल जाती हूँ, सॉरी। ये नहीं आ रहे क्या? तो यहाँ हैवलॉक में है कोई सीलिंग सेंटर, हम वहाँ पे जा रहे हैं। अभी कड़ी धूप में भर भर के हमने सनस्क्रीन लगाया है, पर वही टैनिंग तो होनी ही है, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी कुछ कर लो। तो बस अभी निकल रहे हैं। और बाइक में आप मेरा गोबर लेके आए क्या? या मुझे बोला है कहाँ है मेरा गोबर? हो यार कितने स्टूपिड हूँ, लगा रखे मैं करी मेरा गोबर लेके आएगा। होता है कभी कभी होता है, जब ध्यान कई जगह होता है ना, ब्लॉक के चक्कर में इतना माथा खराब हो रखा है मेरा, बीच में क्रूज में 2 घंटे नेट नहीं आया, अभी यहाँ पे किसी भी होटल में रूम में वाईफाई नहीं मिलता, और मैं इस दिमाग में रही कि जो लास्ट होटल था, मैंने कहा सुबह जल्दी उठ के मतलब चली जाऊँगी, अलार्म भी भरा बट आँखें नहीं खुली, वो सुबह भी अपलोड नहीं हो पाया। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है रे बाबा। जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी गाइस, ये वो है सी लिंक स्कूबा। भैया कुछ खाने का भी मिलेगा क्या यहाँ पे? सारे रेस्टोरेंट थे ना, अभी भूख लग रही है। देखिए बिजी रही वाली डालिया पीछे, जैसे लड़कियों के चैन बंद करते हैं ना, वैसे चैन बंद करनी पड़ रही है। वाह, तो बोला बताओ ना तुम्हारे पेट का क्या हाल चाल है गाइस? अगर आज ये फिट होते ना तो इनको ऐसे नहीं करना पड़ता। अभी मेरे को देखो बिल्कुल स्लिम फिट है, कैसे लग रहा है फैट, पर ये इतना टाइट है ना, इतना टाइट है। अभी ये कह रहे पानी में जाके नरम हो जाएगा, अभी पता नहीं है क्या होने वाला है। और स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती हमें, पर ये कह रहे हैं नॉन स्विमिंग वालों के लिए, देखते हैं क्या होता है। आज मछली हमें खाएंगी या हम उनको खाएंगे, देखते रहे। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आई तो मैं इनका मुंह आगे कर दूंगी। सही है, निकल लिया गाइस। और ये हमारे पति देव जी ने चश्मा यहीं पे रख दिया, पता नहीं इतने धूप में कैसे काम चलेगा। और मैंने रात को ही हेयर वॉश किया था, दोबारा से करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, अगर घूमना है एंजॉय लेना तो ये सब चीज़ें चलती हैं। और व्लॉग मेरा आ गया, आई एम सो हैप्पी। नेट चल गया और इन्होंने फ़ोन के लिए मना कर दिया कि आप अपने रिस्क पे लेके जा रहे हो। मैंने बोला ठीक है, पति देव है ना, नया दिलवा देगा, क्या दिक्कत है। तो हम अपने रिस्क पे फ़ोन लेके आए, इन्होंने सबका जमा करवा लिया है, बट सिर्फ 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 आप लोगों के लिए। अभी फ़ोन जाएगा पानी के अंदर। नहीं हाँ, सिर्फ आप लोगों के लिए लेके जा रहे हैं यार, क्योंकि कल भी पता है जब हमने करा ना, तो मुझे बाद में ये हुआ कि यार फ़ोन ले जाते, जो वीडियो डालूँ देखोगे ना व्लॉग में, देख चुके होगे अभी तक, तो वो हमने बाद में कलेक्ट करी है उनसे। तो चलो दिखाते हैं आपको, ये देखिए गाइस पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। पतिदेव जी दिखाना ग्रीनरी, कितना अच्छा मौसम है ना, अच्छा लग रहा बहुत, और हवा भी ठंडी चल रही है ना। और ये मैं फोन के लिए लेके आई हूँ, ताकि मैं इसमें अपना फोन डाल दूँ तो इसमें ये थोड़ा बच सके पानी से। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, आई होप क्रॉस फिंगर कि पानी में ना गिरे बस। टैनिंग तो होनी अच्छे से हो जाए गाइस।
ये देखिए क्या जन्नत है, ये चीज थोड़ी ना दिखा पाते ये लोग। ये लोग कह रहे हैं कि हम वीडियो दे देंगे, बट ये जन्नत वो नहीं दिखा पाते सीरियसली, मतलब गजब ही है, अलग लेवल है। अब हमें पानी में यहाँ से सीधा वहां तक जाना है, है ना। और गाइज अगर हम डूब जाए ना तो ये पूरे इन भैया को पकड़ लेना आप लोग। और ये भैया भी तो लेके आए हुए फोन, ये क्यों लेके आए, और पत्थर क्यों आ रहे हैं। कलर देखो इसका, ये देखिए गाइस समुंदर के बीचों बीच फोन लेके, देखो गाइस अपने रिस्क पे समुंदर के बीचों बीच फोन लेके आए, और अगर फोन डूब गया तो हम फोन देने वाले नहीं है फिर इनको। देखिए हमारा तैराक तैयार हो रहा है अभी, तैरा कभी डूबने वाला है थोड़ी देर में। क्या ये देखिए, ये हमारे दूसरे बंदे तैयार हो रहे हैं, और वैसे नाक में बोला जा रहा है क्योंकि ना बहुत कड़वा पानी है, बिल्कुल ऐसा जहर जैसा पानी है। मुंह से ही सांस लेना, मुंह से ही सांस छोड़ना, ठीक है। अच्छा, डाइविंग का सबसे बेसिक रूल ऐसा है कि सांस रोकोगे नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सांस लेने का और छोड़ने का पैटर्न यहाँ पे ना ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि अंडर वाटर जाते हैं तो फिर क्या रहेगा। और गाइस मुझे ना दिखाई नहीं रहा बिल्कुल भी, सो ये बता रहे हैं कि अंदर जाके कैसे सांस लेना है, कैसे निकालना है। और यार मेरा तो ना वाटर फोबिया है, बट वही है ना, जब तक इस चीज से लड़ोगे नहीं तो वो करोगे कैसे, है ना। भूल जाओ सारी चीजें, इसी से सांस छोड़ना है, मुंह खोल के छोड़ो और फिर उसी से लो। अब सांस लो और छोड़ो ना, नाक से सांस छोड़ो, चलो नाक से सांस छोड़ो, नाक को बंद रखो ना, देखो नाक का रोल ही खत्म है। आप देख सकते हो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, मेरे तो बाल भी आगे आ रहे हैं, तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं क्या शूट कर रही हूँ क्या नहीं, वहाँ जाके पता चलेगा। और बहुत कड़वा पानी है गाइस, बिल्कुल नमक का है। सांस छोड़ो, सांस छोड़ो ना, ऊपर क्यों आ रहे हो, छोड़े सांस छोड़ा सांस फिर ऊपर क्यों। थोड़ी देर के लिए मेरा ये निकाला है, और बालों का हाल देखो क्या हो गया, क्योंकि वो रबड़ इतनी टाइट है, देखो थोड़ी देर में ही कैसा हो गया निशान सा। इतना इजी नहीं है गाइस, डिफिकल्ट है बहुत, बट करना था तो करना था। ज्यादा मत करो, बस तुम चलते जाओ। फाइनली इतना ही पानी रहेगा ना वहां तक, कहाँ तक पानी आ रखा है। आप लोगों के लिए सिर्फ कैमरा लेके आए, और अगर छूट गया तो छूट ही जाएगा अमित जी, आपको पकड़ना पड़ेगा। नहीं, मौत से खेल गए, मौत से खेलने जा रहे हैं सच में। एक और तो सच में ऐसा लग रहा था पहले से बना रहे कुछ ना। तो क्या करें यार, पैसे लगे हुए हैं, पैसे लगे हुए हैं, बात थोड़ी बहुत भी नहीं पता गाइस, 4,000 रुपए की बात हो रहा है तो बंदा सोचता है कोई दिक्कत है। ज्यादा पैसे लगते हैं इसमें, लगता है इजी है, ऐसा नहीं है। बट भैया इधर से आना है क्या, किधर से आना है। देखिए गाइस ये एक तैराक जा रहा है हमारा, अब ये डूबने वाला है तैराक। ये देखिए एक तैराक चढ़ चुका है अभी हमारा, अभी दूसरा तैराक जाएगा, देख ला। ये तैराक से ज्यादा उम्मीद नहीं थी वैसे, तैराक जल्दी सीख गई थोड़ा। मैं और निविन को इसको कमॉन बेबी कमॉन, क्योंकि बीच की वीडियोज है ना जो ये बीच में ले जाके जैसे कराएंगे है ना, तो वो थोड़ा बहुत कराएंगे, उसमें थोड़ी वीडियो देंगे, फिर इतना मजा नहीं आने वाला, तो इसलिए मैं ने रिस्क ले लिया। अभी भैया बोल रहे फोन नहीं लेके आना था, मैंने बोला आप संभालोगे ना। हाँ भाई तैयार हो, हर से पानी आ रहा है। लाइफ जैकेट वही तो बोलता है, उसका वेट कर रहा है।
आप डूबने के लिए तैयार हैं? यस यस गाइस, भैया है ना बचाने के लिए। डूबने तो नहीं देंगे, डूबने ही तो नहीं जाके नहीं है, स्कूबा डाइविंग होगा कैसे? अभी हमारी स्टार्ट हो गई है, अभी हम निकल लिए हैं। गाइस ये अभी हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिएगा। और इस बोट में है मिस्टर, क्या नाम आपका? इजराइल निविन। ये देखिए गाइस, ये बोट हो गई स्टार्ट बीच समुंदर में एकदम। वाह भाई वाह, आज दोनों अमित अमित आपस में टकरा रहे हैं। इनका नाम भी अमित है। ये मछली वाली चप्पल है भाई मेरी। और ये फैट है हमारा। फैट तो बिल्कुल नहीं है, हाँ गया आज मेरे। तुम्हारा लेके आए क्या इसको? ये वाला ये इसका
Oh,